नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है रोलेट एक्ट। ओके, सो रोलेट एक्ट के तहत हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या था, किसके द्वारा तैयार किया गया, किसके द्वारा पास किया गया, क्यों लाया गया, कब लाया गया, कहाँ लाया गया। सो ये सारे बिंदुओं पर हम आज रोलेट एक्ट का अध्ययन मीन्स स्टडी करेंगे। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने पुराने पैटर्न पे, 5W1H के आधार पर इस टॉपिक को देखेंगे। सो पहला वर्ड है हु, मीन्स किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। सो देखेंगे इस एक्ट को किसने डिजाइन किया, तो वो व्यक्ति थे सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट के द्वारा इस एक्ट को डिजाइन किया गया। नेक्स्ट था व्हाट, तो क्या था ये, इट वॉज अ लॉ। नेक्स्ट है व्हेन, तो कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो 21 मार्च 1919 में। तो कहाँ हुआ, इन इंडिया, इसे भारत में लागू किया गया। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाई, तो क्यों लागू किया गया, टू डिस्ट्रॉय द नेशनलिज्म मूवमेंट। राष्ट्रवाद की जो विचारधारा बहुत आगे बढ़ गई थी उसको बहुत आदि तक रोकने के लिए, और राष्ट्रवादी जितने भी मूवमेंट को आगे बढ़ावा दे रहे थे उन लोगों को जेल में डालने के लिए। सो देखते हैं हाउ, बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, इस कानून को लागू करके वो इन राष्ट्रवाद की विचारधारा को रोकने का या बाधित करने का प्रयास था। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, दिस एक्ट वॉज प्रपोज अंडर सर सिडनी रोलेट। ओके, सो द रोलेट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन मार्च 1919। इससे पहले हम देखते हैं कि सभी भारतीय सदस्य जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे, उन लोगों ने खुलकर विरोध किया कि ये कानून पास ना हो, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून को पारित कर दिया गया और 21 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। इसका एक ही कारण था कि इस कानून के जरिए सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना चाहती थी। सो देखते हैं, दिस एक्ट गिव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कहते हैं इस कानून के तहत गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल जा रहा था कि वो किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकती है। उसके लिए उसको ना तो कोई वकील की जरूरत थी, ना कोई दलील की जरूरत थी। इन सभी के बिना 2 साल तक तो अपने हिसाब से कैद करके रख सकती थी, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और किस कानून के तहत, रोलेट एक्ट के तहत। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, एम ऑफ दिस एक्ट वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेशनलिज्म मूवमेंट बाय इम्प्रिजनिंग द नेशनल वर्कर्स। जो राष्ट्रवादी विचारधारा को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही ये कानून आया था, जिसे हमें ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं, किसे, रोलेट एक्ट को। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, रोलेट एक्ट, गांधी जी ऑर्गेनाइज ए नॉन वायलेंस सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। गांधी जी और सभी भारतीयों के द्वारा इस कानून के विरोध में पूरे देश में हड़तालें करने का ऐलान किया गया। लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दुकानें बंद करके इस कानून का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिर में जूं तक नहीं रहेंगी, वो इन सभी भारतीयों की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी के तहत देखते हैं 6 अप्रैल को हड़ताल करना तय किया गया। तो आगे देखते हैं, हड़ताल वॉज ऑर्गेनाइज ऑन 6 अप्रैल 1919, रैलीज वर कंडक्टेड, शॉप्स वर क्लोज डाउन, वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स केम टू स्टैंड स्टिल। कहते हैं इन सभी के द्वारा जो ब्रिटिश कानून का विरोध करने का प्रयास किया गया, गांधी जी ने अहिंसक विरोध का फैसला किया ताकि लोग अहिंसा के द्वारा ब्रिटिश कानून का विरोध करें, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। समझ पा रही थी, लेकिन उसके सामने अपना इंपीरियल साम्राज्य को, उस इंपीरियल साम्राज्य के सामने वो किसी को नहीं देखना चाहती थी। सो मेन मकसद उनका यही था। इसी बीच गांधी जी मुंबई से दिल्ली आते हैं, इसी दौरान उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और वापस मुंबई भेज दिया जाता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बच्चों के बीच शेयर कीजिएगा इस कोविड 19 के दौरान। ओके, थैंक यू।